हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल. जैसा कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है विभिन्न ध्वनियों का उच्चारण, यानी कि आर्टिकुलेशन ऑफ डिफरेंट साउंड्स. इसी के विषय में हम आज बात करते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका अर्थ, यानी कि ध्वनि का अर्थ, मीनिंग ऑफ साउंड. ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये सभी जानते हैं. जैसा कि हमने कोई शब्द ले लिया, ये मान लीजिए राम शब्द ले लिया, तो ये राम केवल अकेला कोई भी अक्षर नहीं है. इसमें बहुत सारी ध्वनियां हैं, जैसे कि रा, इसमें भी हलंत है, इसके साथ में आ, इसके साथ मा, फिर इसके साथ आ. इसमें इतनी ध्वनियां समाई हुई हैं तब ये शब्द उच्चारित हुआ है. तो मनुष्य के भावों, विचारों तथा अनुभवों के आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है. इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं. ध्वनि के बिना भाषा की कल्पना करना सर्वथा असंभव है. ध्वनि का मूल आधार, यानी कि भाषा का मूल आधार ध्वनि ही है. मानव जिसके द्वारा बोलता है या जो वायु मुख विवर से निकलकर बाघ यंत्रों के द्वारा वाणी के रूप में प्रकट होती है, उसे ध्वनि कहते हैं. दूसरे शब्दों में, हमारे मुख के अवयवों से घर्षण करती हुई जो प्राणवायु बाहर निकलती है, वही ध्वनि या आवाज है. ध्वनियों की पहचान के लिए कुछ चिन्ह विशेष का प्रयोग किया जाता है. ये विशेष चिन्ह ही अक्षर कहे जाते हैं. अक्षर को वर्ण कहा जाता है. आगे हम देखेंगे कि ध्वनि विज्ञान का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ फोनोलॉजी. ध्वनि विज्ञान मानवीय वाक्य यंत्र से विस्तृत भाषाई ध्वनियों का विश्लेषण तथा वर्णन करता है. ध्वनि की अपनी एक प्रक्रिया है. भाषाई ध्वनि वक्ता के वाक्य यंत्र से उत्पादित होकर, यानी कि निकलकर, श्रोता के कर्णेन्द्रिय का विषय बनती है. यानी कि जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बात करता है, तब एक के मुख से निकलकर, वाक्य यंत्रों से निकलकर, दूसरे के श्रवणेन्द्रिय, यानी श्रवणेन्द्रिय क्या होते हैं, कान, ईयर्स का जो है विषय बन जाती है. ध्वनि के लिए तीन बातें अपेक्षित हैं. सबसे पहला, उत्पादन, संवहन और ग्रहण. ध्वनि के उत्पादन के साथ संवहन तथा ग्रहण भी अपेक्षित है. अगर एक व्यक्ति कोई कुछ बोलता रहे, कोई सुनने वाला है ही नहीं, तो उसका बोलना भी व्यर्थ ही रहता है. भाषा विज्ञान में मानवों के मुख से निस्सृत ध्वनि का ही अध्ययन किया जाता है. ध्वनि विज्ञान को फोनोलॉजी कहा जाता है तथा फोनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है. परंतु इन दोनों शब्दों में थोड़ा अंतर है. फोनेटिक्स सैद्धांतिक और सार्वभाषिक है, और फोनोलॉजी उसका व्यवहारिक रूप है और किसी एक भाषा से संबंध है इसका. फोनोलॉजी में ध्वनियों के विकास पर भी विचार किया जाता है, इसलिए ये वर्णनात्मक ना होकर ऐतिहासिक भी है. भाषा ध्वनियों का सर्वांगीण अध्ययन ही ध्वनि, यानी कि साउंड है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ध्वनि यंत्र, यानी कि वोकल कॉर्ड्स. तो इस विषय में हम कह सकते हैं कि ध्वनि यंत्र क्या है. द थिन बैंड्स ऑफ मसल इन द बैक ऑफ योर थ्रोट दैट मूव टू प्रोड्यूस द वॉइस, अर्थात गले के पिछले भाग में स्थित स्वर उत्पन्न करने वाली महीन मांसपेशियों की पट्टी, यानी कि स्वर तंत्र या वाक् तंतु, इसे ध्वनि यंत्र कहा जाता है. ध्वनि यंत्रों का अध्ययन ध्वनि विज्ञान का आवश्यक अंग है. इसके अंतर्गत तो ध्वनियों के उच्चारण में सहायक अवयवों, यानी कि ध्वनि सुनने के सहायक अंगों एवं उसके भागों का अध्ययन किया जाता है. भाषा ध्वनियों का उच्चारण जिन अंगों या अवयवों से होता है, वे ध्वनि यंत्र कहलाते हैं, जिसका विवरण इस प्रकार से है. श्वास नलिका, कंठ पिटक, स्वरतंत्री, स्वरयंत्र मुख, अभिकाकल, अलिजिभ्या, स्वर विवर, मुख विवर, इसके अंतर्गत भी अन्य आते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं श्वास नलिका. मुख या नासिका से फेफड़ों तक वायु को ले जाने वाली नलिका को श्वास नलिका कहते हैं. श्वास नलिका द्वारा ही बाद में वायु को नाक या मुंह से बाहर निकाल दिया जाता है. इस श्वास प्रश्वास प्रक्रिया से ध्वनि जो है उच्चारण, ध्वनि का उच्चारण होता है या किया जाता है. नेक्स्ट है हमारा कंठपिटक.
मुख की ओर श्वास नालिका का अंतिम सिरा कंठपिटक कहलाता है। ये ध्वनि उत्पन्न करने वाला प्रधान अवयव है। नेक्स्ट है स्वर तंत्री। कंठपिटक में पतली झिल्ली की दो परतें होती हैं, जिसमें बहुत पतली पतली तंत्रियां सी होती हैं। इन्हें स्वर तंत्री कहते हैं। ये ध्वनियां विभिन्नता लाती हैं। कहने का तात्पर्य जो आवाज में विभिन्नता लाती हैं। नेक्स्ट है अभिकाकल या स्वर यंत्र मुख, इसके लिए कहते हैं। स्वर तंत्रियों के बीच में खुले मार्ग को काकल या स्वर यंत्र मुख कहते हैं, जिसमें होकर श्वास प्रश्वास क्रिया होती है, यानी कि सांस का आना जाना ये होता है। स्वर तंत्री की तरह इसकी भी चार अवस्थाएं बनती हैं, जो घोष एवं अघोष ध्वनियां उत्पन्न करने में सहायक होती हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के निकट ही रहते हैं। फिर इसके बारे में अभिकाकल के विषय में एक बार फिर से बताती हूँ। काकल और अभिकाकल एक पास ही रहते हैं। भोजन नलिका के विवर के साथ श्वास नलिका की ओर उन्मुख एक छोटी जीभ सी होती है, जो भोजन के अवसर पर श्वास नलिका के मुख को बंद कर लिया करती है। वह अभिकाकल होती है। अभी स्वर यंत्र मुख के पास भी काकल होता है, लेकिन अभिकाकल एक अलग सा पार्ट होता है, जो मुख के अंदर आपने देखा होगा कि ये बीच में एक जिभ्या की भांति ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अली जिभ्या। मुख विवर एवं नासिका विवर के संधि स्थल पर जिभ्या के आकार का एक छोटा सा भाग होता है, जिसे अली जिभ्या कहते हैं। ये नासिका विवर में आने जाने वाली वायु को नियंत्रण करता है, यानी कि आपने देखा होगा कि सांस मुंह से भी ली जा सकती है, आती जाती है, और नासिका से भी। तो इसमें क्या होता है कि ये नासिका विवर में आने जाने वाली वायु पर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट है नासिका विवर। नासिका विवर श्वास प्रश्वास का प्रमुख साधन है। नेक्स्ट है मुख विवर। ये ध्वनि उत्पन्न करने का महत्वपूर्ण अवयव है। इसका विवरण जो अन्य बिंदु हैं उनके आधार पर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत सबसे पहले है कंठ। मुख विवर का प्रमुख अंग कंठ है। कंठ को स्पर्श से ध्वनि विभिन्न, यानी कि स्पर्श जब कंठ से होता है तो विभिन्न ध्वनियों का उच्चारण होता है। जिभ्या यह अत्यंत सुकोमल अवयव है। अपनी सुकोमलता एवं लोच के कारण विविध आकृतियों का को धारण करने के फलस्वरूप अनेक प्रकार की ध्वनियां निकालने में समर्थ होती है। ओष्ठ जिभ्या सदृश विविध आकृतियां धारण करने के कारण ओष्ठ भी ध्वनियों के विविध उच्चारण करने में समर्थ होते हैं। ये वृत्ताकार आकृति भी बना लेते हैं, अर्धवृत्ताकार आकृति भी बना लेते हैं। दंत मूल से भी अनेक ध्वनियों का उच्चारण होता है। तालु यह मुख विवर में ऊपर की ओर स्थित रहता है। इसके भी चार भेद हैं। जो चार भेद कौन कौन से हैं? कठोर तालु, वत्स, मूर्धा और कोमल तालु। तो कठोर तालु, तालु का दांतों से लगा हुआ कठोर भाग कठोर तालु कहलाता है, और तालु के नीचे की ओर कठोर तालु के मध्य का भाग वत्स कहलाता है, यानी कि गोलाकार जो होता है वत्स कहलाता है। मुख विवर की छत का सर्वोच्च स्थान यानी कि मूर्धा कहलाता है, और कंठ की ओर का भाग कोमल तालु कहलाता है। आप अगर जिभ्या से स्पर्श करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कठोर भाग कौन सा है और कोमल भाग कौन सा है। यह बीएड फर्स्ट ईयर की जो है, ये जो भी टॉपिक है विभिन्न ध्वनियों का उच्चारण, ये फोर्थ यूनिट का है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में। आज के लिए इतना ही, और जो आगे का है शेष वह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे। धन्यवाद।